जय पद शरण। श्रीयशुरूप चरण शरण जय सतगुरुदेव 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 जय पद शरण। श्रीयशुरूप चरण शरण शरण श्रीयशुरूप चरण शरण जय सतगुरुदेव जय पद शरण। 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 श्रीयशुरूप चरण शरण पद शरण। श्रीयशुरूप चरण शरण जय सतगुरुदेव जय पद शरण। श्रीयशुरूप।
और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, मूर्ति। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने, मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे हैं। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से भाई तौर उसमें इतने दीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद
ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित हुई। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तुम्हारी कृपा ते
तू है मेरा माना, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हा, ताभो के हा काड़ा जियो, ताभो के हा काड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हा काड़ा जियो, ताभो के हा काड़ा जियो, जीजन तू सब तुद पाए, चित जित भाणा तित दित लाए, जीजन तू सब तुद पाए, जित जित भाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो, नाही किछ असाड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, थावो के हा काड़ा जियो, तावो के हा काड़ा जियो, नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, गुरुपुरे बजी बदाई, नानक जीता बिखाड़ा जियो, नानक जीता बिखाड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के हा काड़ा जियो, ताबो के हा काड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के हा काड़ा जियो, ताबो के हा काड़ा जियो।
श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग एक परिच्छेद दो। अदब की आवश्यकता। स्थान बुलंदशहर, सन 1942। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल बोध प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गन बस करनी। समय सायकाल 7 बजे का है। सत्संग जमा हुआ है। ऊपर कोट बुलंदशहर का एक महिला मोहल्ला वाले सूफी जी भी बड़े अदब से दो जानों गर्दन नीचे किए बैठे हैं। दादाजी महाराज विराजमान हैं। सभी उपस्थित सज्जन बड़े ही उत्सुक भाव से सरकार की ओर आकर्षित हैं। आप आंख नीचे प्रभु प्रेम में मगन हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली और बड़े ही सुरीले व हृदय को हर लेने वाली मधुर दर्द वाली आवाज में यह आशा, गर यार ना हो साकी बेमाना हुआ तो क्या, मामूर शराबों से मैं खाना हुआ तो क्या, गर दर्द ना हो दिल में क्या इश्क मजा देवे, कहने को कोई भी कर दीवाना हुआ तो क्या। हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ, घर काबा हुआ तो क्या पुटखाना हुआ तो क्या। श्री किबला सूफी जी झूम कर रह गए। उनकी आंखों से मालिक के प्रेम के अश्रु कण झलक आए। सभी उपस्थित सज्जन प्रभु प्रेम में उमड़े से पड़ते ज्ञात होते। दादाजी महाराज ने फिर बड़े ही प्रेम तथा अदब से श्रीमान परम संत हजरत मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह का नाम लेते हुए परम संत महात्मा श्री लाला जी महाराज का बयान किया हुआ अनुभव इस प्रकार सुनाया। एक समय महात्मा श्री लाला जी महाराज सेवक के पिताजी महात्मा श्री चचा जी तथा श्री चिमन लाल मुख्तियार साहब रायपुर तहसील कायमगंज जिला फारुखाबाद में हुजूर महाराज के चरण कमलों में हाजिर थे। हुजूर महाराज सतगुरुदेव जी के छोटे भाई भी उन दिनों आपकी सेवा में हाजिर थे। रात्रि में आप तीनों उसी फूस के छप्पर वाले कमरे में थे जिसमें हुजूर सतगुरुदेव जी के छोटे भाई स्वयं रह रहे थे। पास ही सामने दूसरा फूस के छप्पर वाले एक खुला तालन सा था, उसी में हुजूर महाराज सतगुरुदेव जी रात्रि को लेटा हुआ सोया करते थे। बरसात का मौसम था। उस दिन बराबर थोड़ी बहुत वर्षा होती रही। रात को लगभग 3 बजे हुजूर महाराज के छोटे भाई साहिब चुपचाप उठे और पीने के लिए पानी लेकर, जब अपने कमरे में पानी ना पाया तो फिर बड़े ही धीरे धीरे दबे पांव से अपने बड़े भाई साहिब सतगुरुदेव जी के दालान की ओर गए, परंतु भीतर जाने की हिम्मत ना हुई। दालन के बाहर ही चुपचाप सर झुकाए हुए बड़े ही दीन भाव आदाब से खड़े थे। हुजूर महाराज सतगुरुदेव जी ने करवट ली तो बिजली की चमक में अपने प्रिय छोटे भाई पर नजर पड़ गई। श्री दादाजी महाराज श्री सतगुरुदेव जी एकदम उठकर बैठ गए और अपने परम प्रिय भक्त लघु भ्राता से बोले, अरे भाई क्या बात है, कैसे खड़े हो, पानी में क्यों भीग रहे हो। उस समय कुछ हल्की सी बारिश हो रही थी। आप सतगुरुदेव जी के लघु भ्राता ने हाथ बांध कर अत्यंत ही दीनता पूर्वक गिड़गिड़ा कर धीरे से निवेदन किया कि हुजूर, इस गुलाम को प्यास मालूम हो रही थी, चाहता था कि हुजूर की सुराही से गिलास पानी। जब नजदीक आया तो अपने नफ्स की कमजोरी मन की धूर्तता पर बड़ा दुख हुआ और शर्म से पानी पानी हो रहा था कि बिना हुजूर की इजाजत लिए तू इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहा है। अपने नफ्स मन को धिक्कार रहा था कि अगर माता पिता के चरणों के नीचे बैकुंठ रहता है तो सतगुरु के चरण कमलों के नीचे बैकुंठ नहीं बल्कि मालिक कुल भगवान का मिलन आदि का ध्येय पद रहता है। अगर हुजूर हुक्म फरमाए तो यह पतित गुलाम एक गिलास पानी ले। सुनकर सुनकर और अपने लघु भ्राता को रोते देखकर हुजूर महाराज ने फरमाया, भाई यह भी कोई ऐसी बात थी जिसके लिए मेरी इजाजत की इतनी अधिक जरूरत समझी, अमा जरूर पानी ले लो और जब चाहो बिला तामवल बिना किसी प्रकार के संकोच के फौरन ले लिया।
फिर आशीर्वाद देते हुए उपदेश किया, भाई सच तो यही है, मोहब्बत इश्क प्रेम ही क्या, जिसमें अदब शर्म हया, खौफ का मोहनी स्वरूप व रस ही ना हो, बिना इनके प्रेम रूखा व सूना सा रहता है, जिसमें मनमत का दोष सदा ही बना रहता है, और पूर्ण समर्पण या आत्मसमर्पण के प्रति उत्तम गति की प्राप्ति से वंचित रहता। महात्मा श्री लाला जी महाराज ने फिर फरमाया कि उस समय वे सब लोग जाग रहे थे और चुपचाप अदब शिष्टता शर्मो हया लज्जा और खौफ भय का प्रत्यक्ष अनुभव देखकर अपने ऊपर रो। दत्ताजी महाराज ने फिर उपदेश किया कि यह आदर्श हमारे बुजुर्गों ने अदब का हमारे सामने रखा है। गुरु पीर बनना बड़ा आसान मालूम होता है, परंतु शिष्य मुरीद बनना लोहे के चने जमाना है। जिस गुरु में शिष्यदा कूट कूट करना भरी हो, वह भला किस मुंह से गुरु होने का दावा व आदर्श दूसरे शिष्यों के सामने कर सकता है, और सप्तगुरुजनों का ऊंचा मान पद कायम कर सकते। अदब में अपना अहमपना नहीं रहता, मनमता में अहमपना रहता है। आत्मसमर्पण गुरु मुखता अदब में ही रहकर पूर्ण रूप से हो सकता है। गुरु मुख गुरु की जात में अपने अस्तित्व को इस प्रकार मिटाकर मिलाकर तथा घुलाकर एक जात हो जाता है, जैसे बर्फ पानी में घुलकर पानी का वास्तविक रूप जात धारण कर लेती है। अपना स्वत्व तथा अहमपना व रूप सब पानी में लय फना कर देता है। इस प्रेम मार्ग में प्रथम दो साधनाएं विशेष हैं, एक मनमता और अहमपने की घाटियों से पार हो जाना और पूर्ण रूप से गुरु मत तथा गुरु रूप हो जाना, दूसरा प्रभु प्रेम में अपना हृदय गुरु के हृदय में इस प्रकार जोड़ व घुला मिला देना कि फिर गुरु की जात हो जावे। इसी को संतों ने मन व अहंकार की शुद्धि तज़किया नफ्स व हृदय की निर्मलता तस्फिया कल्ब कहा है। यह दोनों साधनाएं मिलकर एक मंजिल कहलाते हैं, इसी को गुरु में लय फना फिश शेक होना कहते हैं। अपने मुख्य ध्येय की ओर यह मंजिल पद पहली तकमील व कामयाबी पूर्ण सफलता होती है। संत महिमा स्थान बुलंद शहर श्री गुरु पद नाख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि सिंह होती दर नमो तम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु। श्री किबला सूफी जी यह किस्सा सुनकर झुके जा रहे हैं, मानो उनका दिल बर्फ की तरह पिघल रहा है। सभी सज्जन अदब तथा प्रेम की लीला सुनकर शांत हो खोए से नजर आते हैं। दादाजी महाराज ने फिर आंखें मीच और समाधि अवस्था में चले गए। लगभग आधे घंटे तक आंतरिक सत्संग की निर्मल गंगा धारा में सब आनंद में डुबकियां लगाते रहे। इसी क्षण दादाजी महाराज ने पद्मधुर स्वर में गान किया, बहुत ढूंढाना पाया आसमानों में जमीनों में, बहुत ढूंढाना पाया आसमानों में जमीनों में, वह निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में, मैं तारीकी हूं लेकिन मुझ में पोशिदा वो गौहर है, आया रिज़्क़ी झलक है ये फलक तेरे नगीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये है गौहर बादशाहों के खजीनों में, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, यह वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक अब गीनों में, ना ढूंढ इस खिरका पोशी में आदत हो तो देख उनको, यदि बह जालिए बैठे जो अपनी आस दिनों में, खामोशे दिल भरी महफिल में
चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबके दिल आंतरिक कशिश में खींचे जान पड़ते हैं, चित्रजी महाराज फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अल्लाह सलाम एक नबी अर्थात अवतार, उस समय का बादशाह फिरौन था जो खुदा को नहीं मानता था और स्वयं खुदा होने का दावा करता। फिरौन ने एक ज्योतिषी के बतलाने पर कि उसका भांजा ही उसका घातक होगा, अपनी बहन को कैद कर रखा था। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए और कुछ दिन के हो गए तो फिरौन ने अपने आप को उसी के भय से मार डालना चाहा। उस ज्योतिषी के दिल में कुछ रहम पैदा हो गया और उसने बादशाह फिरौन से निवेदन किया कि एक आग का दहकता हुआ गोला इस बच्चे के सामने रखा जावे, और यदि यह बच्चा उसकी रोशनी देखकर उसे ना पकड़े और अपना चित्र से हटा ले तो समझ लिया जाना चाहिए यह बालक तेरा घातक वरना नहीं। ऐसा ही किया गया। फिरौन की बहन सारी रात मालिके कुल अखंड भगवान निर्णायक से रो रो कर बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना की। माँ की मोहब्बत में सत्य प्रेम का अंश रूप से लक्ष्य मिलता है। माँ का प्रेम अंश रूप में सत्य प्रेम अथवा प्रभु प्रेम के संसार में छोटी सी मिसाल है। तो भला सोचने की बात है कि मालिके कुल भगवान वास्तविक माता पिता परम पिता परमात्मा को अपने बंदों से कितना प्रेम होगा। ला महदूद प्रेम, इनफिनाइट लव का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कहकर दादाजी महाराज कुछ रुलासे से हो गए। सब सत्संगी भाई फूट फूट कर रो रहे, मानो प्रेम का हृदय में एहसास हो रहा है। 4-5 मिनट इसी अवस्था में डूबे रहने के बाद आप किस्से को आगे बढ़ाते। हाँ, तो माता को हुक्म हुआ कि बच्चे को दरबार में हाजिर कर। ज्यों ही अत्यंत दुखी हृदय से सहित माता अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर दरबार में आई, यह दहकता हुआ करूंगा उस बच्चे के सामने रखा। हजरत मूसा अल्लाह सलाम चूंकि नबी अर्थात अवतार थे, उनमें ज्ञान प्रकाश जन्म से ही था। इसी कारण हजरत मूसा अल्लाह सलाम ने अपना हाथ व मुंह उस चमकते हुए आग की गोले की ओर से फेरना शुरू कर दिया। माँ की मोहब्बत व ममता दीवानी होती है, यह समझ कर कि बच्चा जान से मार है। माँ ने झट अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उस आग के गोले में रख दिया। उसी समय प्रेम से अति दुखी माता के हृदय में यह प्रार्थना उठी, हे मालिके कुल, हे भगवान, यदि तूने दुनिया में माता की आत्मा में अपने सच्चे प्रेम का कुछ भी अंश रखा है तो उसी के तुफैल में इस मासूम बच्चे की रक्षा कर। भगवत कृपा से अचानक बड़े वेग से आंधी आई, जिसे दरबार में एकदम बादशाह फिरौन आ गई। सबकी आंखें मिच गईं और माता को हजरत मूसा अलैहि सलाम बच्चे का हाथ आग के गोले पर रखते हुए किसी ने ना देख पाया। जब उस ज्योतिषी ने देखा कि बालक की हथेली आग के गोले से जल गई है, तो उसने बादशाह फिरौन से निवेदन किया कि जानबूझकर कोई ऐसा कार्य ना करना चाहिए जिससे अनावश्यक कोई विशेष आपत्ति का कारण बने। बादशाह फिरौन ने अपनी बहन को अपने भांजे सहित आजाद कर दिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम की हथेली में आग के गोले से जल जाने से अंडे की शक्ल का निशान पड़ गया। उस निशान में मालिके कुल भगवान ने ऐसा मुअज्जा मिरेकल रखा था कि जिससे अगर हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी मुट्ठी खोलकर वह निशान दिखा दिया या फेर दिया करते थे तो उसका ध्येय सिद्ध हो जाता था। यहाँ तक कि रोगी अच्छे हो जाते थे और मरे जी जाते। अपने श्री दद्दाजी महाराज ने सुंदर तथा सुरीले कंठ से आशा दोबारा गाए। ना ढूंढ इस खिरका पोशी में, अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए, इरादत हो तो देख उनको, यदे बेजा, अपनी मुट्ठी बंद कर दिखाते हुए, यदे बेजा लिए बैठे जो अपनी आस तीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। यदि बैजा का दृष्टांत देते हुए फिर आपने आगे समझाया कि ऐसे भगवत प्रेमी संत महात्मा को ढूंढना चाहिए
जिनके पास भगवत प्रेम व गम का वह चिन्ह यदा बैजा छुपा हो, कि जब भी उनकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उनकी किंचित मात्र भी दया दृष्टि हो जाने से या दस्ते शफकत का स्पर्श हो जाने से संसारी माया में लिप्त तथा अहंकार में गर्क मृत कवक्त जीवों में नवीन आत्मिक प्रकाश जीवन का उदय हो जाए, अर्थात वे पुनर्जीवित हो जाएं। केवल बाहरी भेष व स्वरूप पर नहीं जाना चाहिए। दूसरे भगवत भक्त व गुरु प्रेमी के सत्संग में एक भक्त व प्रेमी सेवक को मनसा वाचा कर्मणा मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम मार्ग में अदब शिष्टता प्रथम वस्तु। दादाजी महाराज फिर मौन हो रहे। सत्संगी भाई दूर दूर मोहल्लों से आए थे, क्योंकि रात्रि काफी हो गई थी। धीरे धीरे भ्रमिष्ट साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने अपने घरों को जाने। परमात्मा
समाधि भली। गुरु प्रताप जादिन से जागी, गुरु प्रताप जादिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। हे साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली।
समाधि भली। गुरु प्रताप जागिन से जागी, गुरु प्रताप जागिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। हे साधु सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। सहज समाधि भली।